जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है दोस्तों। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, योग्यता क्या है और भैया इसमें चयन कैसे होगा, सारी जानकारी आप देंगे एकदम सरल भाषा में थन बतावांगा। ठीक, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई फटाफट देख लें, राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती है, जिसमें महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आवेदन शुरू कब से है इसके? तो चालू ही है, 31 जनवरी से शुरू है, 29 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 29 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। और ये जो भर्ती है ये संस्कृत डिपार्टमेंट में निकल रही है दोस्तों, बिल्कुल संस्कृत डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली हुई है। दो प्रकार से निकलती हैं ये भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड वगैरह की, एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट में, एक जनरल जो सभी के लिए होती है, समझ रहे हो? तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आप सभी को पता है एमए बीएड होना जरूरी है साथियों, ठीक है? एमए बीएड नहीं हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। हाँ, अगर आप फाइनल में हो, जैसे मान लो आप बीएड फाइनल कर रहे हो, एमए पहले कर लिए थे, या फिर एमए अब कर रहे हो, फाइनल में हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, अपेयरिंग वाले भी इसमें पात्र हैं। अच्छा जी, अब देखो एज 21 से 40 साल, 1 जुलाई 2024 को 21 साल पूरी पट हो गई है तो आप आवेदन लगा सकते हो। अच्छा जी, अब 21 साल तो एमए बीएड करेगा तो अपना आप ही हो जाएगी 21 साल, तो क्यों ना। हाँ जी बिल्कुल, अब देखो छूट भी है क्या? अरे छूट तो राजस्थान में मौज ही मौज है छूट की, तो भर्तियों में तो मौज है छूट। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, यानी कि महिला 50 साल की भी है तो फॉर्म लगा सकती है। जनरल की महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है, जनरल की महिला भी 45 साल की है तो फॉर्म भर सकती है। फॉर्म फीस 600-400 रहेगी, जनरल ओबीसी की 600, बाकी सबकी 400। अच्छा जी, चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट जारी होगी, एग्जाम दो होंगे भैया, पहलो फर्स्ट एग्जाम 150 नंबर को, दूसरो एग्जाम 300 नंबर को, ठीक, दो एग्जाम होंगे तुम्हारे। अपेयरिंग वाले भी पात्र हैं, कोई फाइनल में है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, जैसे मान लो बीएड फाइनल है, एमए पहले कर ली तो वो फॉर्म लगा दे, और भैया बीएड पहले कर रखी है, एमए अब कर रहा है, फाइनल में है तो भी फॉर्म लगा सकता है, ठीक है साहब? क्योंकि मार्कशीट तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चाहिएगी, उस समय रिजल्ट भी आ जाएगा तो भी चल जाएगा काम। पदनाम, पद, योग्यता, सारी योग्यता सबसे पहले देख लो। योग्यता तो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट हैं। पीजी में 48% होनी चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीजी का मतलब एमए वगैरह होनी चाहिए तुम्हारी, कितनी? 48%, इससे कम है तो काम नहीं चलेगा। सही भैया, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई भी हो, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, 48% से कम है तो काम नहीं चलेगा, आपको इतना तो होना ही चाहिए परसेंटेज। और बीएड की तो पास है, बीएड पास है तो चलेगा। और व्याकरण, साहित्य, यजुर्वेद के सब्जेक्ट के लिए संस्कृत माध्यम से आचार्य की डिग्री होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्री डिग्री, यानी कि वही तुम्हारी बीएड वगैरह का सिस्टम इसमें है। अब देखो हिंदी में 17 पद हैं, अंग्रेजी में 11 पद हैं, अगर आप हिंदी से मास्टर डिग्री हो तो 17 पद हैं, अंग्रेजी से हो तो 11 पद हैं, साहित्य से 4 पद हैं, सामान्य व्याकरण के 10 पद हैं और व्याकरण के 7 पद हैं, यजुर्वेद का 1 पद है, राजनीति विज्ञान का 1 पद है और हिस्ट्री का भी 1 पद है। ये टोटल बात करें तो 52 पद हैं साथियों। कितने हैं साहब? 52 पदों पर यह भर्ती है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है और सेकंड ग्रेड के भी भर्ती निकली हुई है, उसकी भी वीडियो डाल देंगे, आप आराम से चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड की भी है, फर्स्ट ग्रेड की भी है,
ठीक है दोस्तों। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ओमवीर रोजगार के नाम से ही आपको टेलीग्राम मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा आ जाएगा। और जो भी योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं और आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।